हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सापुतारा में आए हुए कई सारे पब्लिक प्लेसेस की जो डिटेल्स है मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। डे 4 में हमें गुजरात सापुतारा से मुंबई के लिए रिटर्न होना था। क्लब महिंद्रा हथगढ़ से मुंबई रिटर्न होने से पहले हमने विजिट किया था रोप वे। फ्रेंड्स, क्लब महिंद्रा हथगढ़ रिसोर्ट में से हमने सुबह 10:30 बजे चेकआउट कर लिया था और हम निकल गए थे रोप वे देखने के लिए। सापुतारा का मोस्ट ब्यूटीफुल और एंजॉयबल पब्लिक प्लेस रोप वे यानी कि केबल कार। जिस दिन हमें गुजरात सापुतारा से मुंबई के लिए रिटर्न होना था उस दिन फ्राइडे था और वीकडेज में यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं रहती है फ्रेंड्स, तो बस 10 मिनट जितना लगभग हम क्यू में खड़े रहे और हमारा नंबर लग गया था। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये मैंने रोप वे में से लिया है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। गुजरात सापुतारा के जितने भी व्लॉग्स मैंने मेरी चैनल पर अपलोड किए हैं मैं सारे व्लॉग्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से सारे व्लॉग्स चेक कर सकते हो। सारे के सारे व्लॉग्स सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। यहां पर रोपवे का जो फेयर है वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। टिकट्स का जो रेट है यहाँ पर रोपवे का वो पर पर्सन लगभग 120 के आसपास है। और ये जो रोपवे की जर्नी है ये लगभग 5 से 7 मिनट की जर्नी है। गाइस, ये जो मिनी कार आप देख रहे हो जो अंदर की तरफ चल रही है ग्राउंड पर, ये जो सापुतारा में एडवेंचर पार्क है ना वहाँ पर गो कार्टिंग राइड भी अवेलेबल है टूरिस्ट लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फनी है। वो गो कार्टिंग राइड की एक्टिविटी यहाँ से दिख रही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स देखिए, ये सामने से एक खाली वाला रोपवे आ रहा है, हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ये पैसेंजर्स को छोड़कर फिर से रिटर्न आ रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा खाली है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। सात या आठ मिनट के अंदर अंदर लगभग हम सामने के हिल पर पहुंच गए। इस तरफ भी लग रहा था कि जैसे मार्केट भरी हुई है, खाने पीने के स्टॉल, बच्चों को खेलने के लिए राइड्स, छोटी छोटी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ था। बहुत ज़्यादा एंजॉयबल है फ्रेंड्स सापुतारा गुजरात की सारी के सारी पब्लिक प्लेसेस। देखिए फ्रेंड्स, कई सारी खाने पीने की चीज़ों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म ताज़ा वाला स्नैक्स बनाकर दे रहे थे ये लोग, जैसे कि गर्मा गर्म स्पाइसी वाली मसालेदार मैगी, पोहा वगैरह। किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर कहीं पर कच्चे आम हमें मिल जाए तो हम उसे खाए बिना नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कच्चे आम, स्पेशली ट्रैवलिंग में। ये देखिए फ्रेंड्स, कच्चे आम को पतले पतले स्लाइसेस में उन्होंने मुझे काट के दिया और उसके ऊपर नमक और मिर्च छिड़क के आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग और कई सारी छोटी छोटी राइड्स वगैरह थी। उबले हुए गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न के ऊपर नींबू, नमक और मिर्च छिड़क कर ये लोग सर्व कर रहे थे। रोपवे स्पॉट पर उस हिल पर जो भी एक्टिविटीज़ थी हमने कुछ एंजॉय की और थोड़ा सा वक्त वहाँ पर बिताकर हम रिटर्न हो रहे थे क्योंकि मुंबई के लिए निकलना था। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। रोपवे के अंदर ऊपर की तरफ से ये जो नज़ारा है इतना सुंदर लग रहा था, एक पल के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि बोर हो रहा है, कब जल्दी पहुँचे सामने की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हर एक पल में ये जो सुंदर नज़ारे हैं हमने खूब एंजॉय किए। वाओ, कितना सुंदर नज़ारा है देखिए फ्रेंड्स।
सो ब्यूटीफुल। Wow, so beautiful scenery. ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो रोपवे की परछाई है, कितना सुंदर नज़ारा है ये। फ्रेंड्स, हम लोग पहाड़ी की इस तरफ फिर से पहुंचने ही लगे थे। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे ये जो परछाई है ये नज़दीक आ रही थी। ये पहुंच गए हम फिर से पहाड़ी की इस तरफ। रोपवे स्पॉट के नज़दीक ही एक रेस्टोरेंट था, वहां पर लंच करके हम निकल गए मुंबई के लिए। सब तरह से मुंबई की जर्नी में, रास्ते में जो भी सुंदर सुंदर नज़ारे मुझे दिखे मैंने कैमरे में कैच किए और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सफ़र में जो भी अच्छी अच्छी सीनरी मैंने देखी, जैसे सनसेट है वगैरह जो भी, तो मैंने इसमें सब कुछ आगे मैंने शेयर किया हुआ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ये पहुंच गए हम कसारा घाट। ये कसारा घाट भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सुंदर है। फ्रेंड्स, बारिश के सीजन में जब यहाँ पर हिल्स पर से वाटरफॉल होते दिखते हैं, बहुत सुंदर नज़ारे रहते हैं वो। फ्रेंड्स, नेचर के साथ वक्त बिताना, नेचर को निहारते रहना, नेचर को कैमरे में कैच करना ऑलमोस्ट सभी को पसंद रहता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद यही वजह है कि मुझे सफ़र में कभी भी नींद नहीं आती, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो या फ्लाइट का सफ़र हो या कोई फोर व्हीलर का सफ़र हो, मुझे कभी भी सफ़र में नींद नहीं आती। देखिए, ये जो ट्रेन आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये नासिक से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन है। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में सनसेट का टाइम हो चुका था, तो हमने लगभग आधे सफ़र में सनसेट के साथ अपना सुंदर सा वक्त बिताया। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे हमें सफ़र में देखने को मिले तो सफ़र की थकान कैसे लगे।
बिल्कुल ही फ्रेश लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम सनसेट देखने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, ये है ना बिल्कुल एंजॉयबल मोमेंट्स। मैं जानती थी फ्रेंड्स कि एक बार जब हम मुंबई घर पहुंच जाएंगे तो फिर से सारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, तो सफ़र में ये सारे सुंदर से यादगार लम्हे मैं एक भी लम्हा इसमें से मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ मेरे कैमरे में कैच कर लिया ताकि जब भी रूटीन में से मैं बोर हो जाऊं तब मैं ये सारे क्लिप्स फिर से देखूं और ये सारे सुंदर से लम्हे जो मैंने गुजरात सापुतारा में बिताए सारे फिर से ताज़ा हो जाए। शहर की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पेशली मुंबई की जो लाइफस्टाइल है लोगों की बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो जब भी ऐसे यादगार लम्हे अगर हमारे पास हमारे कैमरे में अवेलेबल हो तो हम वो क्लिप्स को देखकर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। वाओ सो ब्यूटीफुल सिनेरी। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है यहाँ से नज़र ही नहीं हटानी है, बस देखते ही जाए। गाड़ी को साइड पर रुका के मुझे बाहर निकलने का बहुत मन था लेकिन हाईवे था तो बाहर नहीं निकल सकते थे। वाओ सो ब्यूटीफुल। कुदरत की इस सुंदरता को हम निहारते जा रहे थे, बस निहारते ही जा रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि कब ये सनसेट हो चुका, ये भी पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो चुका और कैसे हमारा सफ़र कट गया पूरा। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ये है टाटा आमंत्रण जो थाने कल्याण हाईवे पर बसा हुआ है, बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट है ये। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे सफ़र की कहानी, मुंबई से गुजरात सापुतारा और गुजरात सापुतारा से रिटर्न मुंबई। हर एक लम्हा हर एक एंजॉयबल मोमेंट मैंने आपसे शेयर किया है। मेरे सारे के सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि मेरी जो चैनल है फूडी वेब ये कुक एंड ट्रैवल के रिलेटेड है, तो फिर से कोई अच्छी हेल्दी और टेस्टी वाली होममेड रेसिपी मैं जल्द से जल्द मेरी चैनल फूडी वेब पे शेयर करूँगी। तब तक आप मेरी चैनल फूडी वेब पर जितनी भी वीडियोस है सारी देखते रहना, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, अपनी अच्छी अच्छी मोटिवेटिंग कमेंट्स मुझे भेजते रहना और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स फिर से किसी होममेड टेस्टी और हेल्दी वाली रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे मेरी चैनल फूडी वेब पे। तब तक ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।